color the shapes. Color the shapes. इस मश्क में या इस एक्सरसाइज में अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डॉगी है और इसके साइड पर मुख्तलिफ शेप्स हैं। अब इस डॉगी के हाथ में एक पेपर पकड़ा हुआ है जिसमें उन शेप्स का कलर लिखा है, यानी इन शेप्स में आपने कौन कौन से कलर करने हैं। अब हम इस पेपर के मुताबिक इन शेप्स में कलर करेंगे। चलें हम शुरू करते हैं, आपने भी मेरी मदद करनी है। सबसे पहला है रेड कलर, और रेड कलर कौन सी शेप में हमने करना है? रेड कलर हमने करना है सर्कल में। जितनी यहाँ पर सर्कल शेप की चीजें हमें नजर आ रही हैं, उन सब में हम कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर। चलें हम शुरू करते हैं, आपने भी मेरे साथ सर्कल्स को तलाश करना है। सबसे पहली शेप की तरफ आइए, ये सर्कल नहीं है। अगली शेप की तरफ आए, जी हाँ ये है एक सर्कल। अगली तस्वीर की तरफ, ये है एक रेक्टेंगल। फिर है ट्रायंगल, फिर है सर्कल, यानी इसे भी हम करेंगे रेड। अब अगली तस्वीर की तरफ आइए, ये है एक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और ये सर्कल। और ये है इस डॉगी की कैप, यानी इसमें भी हम रेड कलर कर देंगे। चलें इस तरफ आइए, ये है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और फिर एक सर्कल। चलें अब अगली शेप की तरफ आइए, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, यानी हमने सारे स्क्वायर्स में कलर्स कर दिए। चलें अब अगले कलर की तरफ आइए। अगला कलर है ऑरेंज, ऑरेंज, और ऑरेंज कलर हमने किस शेप में करना है? सारे स्क्वायर्स में हमने ऑरेंज करना है। चलें अब हम सारे स्क्वायर्स यहाँ से तलाश करके उनमें ऑरेंज रंग भर देते हैं। आपने भी मेरी मदद करनी है। सबसे पहली शेप है स्क्वायर, यानी इसे हम कर देंगे ऑरेंज। फिर है सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और ये है स्क्वायर, इसे भी हम ऑरेंज कर देंगे। ट्रायंगल, रेक्टेंगल और फिर स्क्वायर। फिर है रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और फिर है स्क्वायर। चलें इसे भी हम रंग भर देते हैं। फिर है रेक्टेंगल और ट्रायंगल। बिल्कुल ठीक, अब हमने सारे स्क्वायर्स में भी कलर कर दिया है, और कौन सा कलर? ऑरेंज कलर। चलें अब अगले कलर की तरफ चलते हैं जो है ब्लू। ब्लू, और हमने ब्लू किस शेप में करना है? सारे ट्रायंगल्स में हमने ब्लू कलर करना है। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहली शेप कौन सी है? स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। फिर है सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। चलें अब यहाँ से तलाश कीजिए कि कौन सा कोई और ऐसा ट्रायंगल है जो रह गया हो। जी हाँ, इस डॉगी की कैप वाला ट्रायंगल, इसे भी हमने ब्लू कलर कर दिया। चलें अब आखिरी रंग की तरफ आइए, ये है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, और ये हमने कौन सी शेप में करना है? ये करना है हमने रेक्टेंगल में। चलें हम शुरू करते हैं, एक एक करके हम शेप्स के नाम पढ़ते हैं। ये है स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल, फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल,
triangle, circle, square, and rectangle and triangle. बहुत खूब, अब हमने इन सब शेप्स में कलर कर दिया है, यानी हमारी ये मशक भी मुकम्मल हो चुकी है. इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने शेप्स की पहचान सीखी मुख्तलिफ मशकों की या एक्सरसाइजेस की मदद से. अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इन शेप्स को दोहराने की और याद रखने की भी कोशिश कीजिए. इस तरह आप इन शेप्स के नाम इंग्लिश में बहुत जल्द सीख जाएंगे.